दोस्तों वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं यार जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया कि सर प्लीज़ बता दो, क्योंकि हमारे फ़ोन में इनबिल्ट सिस्टम नहीं है कि हम रिंगटोन कैसे सेट करें और जो नोटिफिकेशन टोन है उसे कैसे सेट हेलो बज गया और जो नोटिफिकेशन टोन है उसे कैसे सेट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दो तरीका बताएंगे, पहला तो इनबिल्ट आपके फ़ोन में जो रहेगा, और दूसरा मतलब एक एप्लीकेशन से बस आपको वन क्लिक करना है और जो रिंगटोन है जो नोटिफिकेशन टोन है आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे यार मेरा टाइम बर्बाद किया, मतलब मैं ये चीज़ जानता था। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना, कर सकते हैं ओके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आप देख सकते हैं नाम है प्रजापति गेमिंग, तो सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर यूसी का गिवे होते रहता है। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं ओके, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें पहले तरीके की, तो आपको अपने सेटिंग में जाना है, आपके फ़ोन में इनबिल्ट सिस्टम दिया हुआ है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन में यह सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, वह लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ सर्च करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला तो रिंगटोन का है, ठीक है, आप कितना वॉल्यूम रखना चाहते हैं फुल, और दूसरा अलार्म का, और तीसरा मीडिया का ओके। तो फिलहाल मैं तीनों फुल करके रखा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिंगटोन एंड वाइब्रेशन का, आप देख सकते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन ऑप्शन है यहाँ पर नीचे रिंगटोन का है। वाइब्रेशन में आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेट फॉर कॉल कर लेना, जब कॉल आएगा तो वाइब्रेट होगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें रिंगटोन की, तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला तो है इनबिल्ट सिस्टम, ठीक है, नीचे आपको इनबिल्ट सिस्टम का मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ये हमारे फोन में इनबिल्ट रिंगटोन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप ये सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं नॉन कर दिया, अगर आप नॉन कर देंगे ना तो भाई बजेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। अब आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिल जाता है रिंगटोन फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज, यानी दोस्तों अगर आप अपने इंटरनल स्टोरेज से कोई रिंगटोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मतलब मैं एक ऐसे लोड कर लिया था, तो यहां से आप अपने इंटरनल MP3 से, यानी जो भी आप MP3 डाउनलोड करके रखे वह सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, सॉन्ग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ और मैं ऑन प्लस का ही रखना चाहता हूँ ओके, मेरे लिए यही सही है। तो यह तो रहा पहला तरीका, आप अपने फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगाएंगे। अब दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन का सेटिंग ही नहीं होता, ठीक है, फिलहाल अगर आपका एंड्रॉयड 10 होगा 11 होगा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेट नहीं कर पाते हैं। तो भाई टेंशन मत लो, मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का नाम है, मैं दिखा देता हूँ, वीडियो टू MP3 कन्वर्टर, यही एप्लीकेशन है, आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने गैलरी में जाना है, जिस भी आप ऑडियो को लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर यह है, तो आप देख सकते हैं काफी कमाल का सॉन्ग है, मुझे यही सॉन्ग अपने रिंगटोन पे लगाना है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, बैक आना, थोड़ा सा सिंपली इस सॉन्ग को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में थ्री डॉट में जाना है, शेयर पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पर वह एप्लीकेशन आइडियो कट के नाम से मिल जाएगी, ठीक है, आइडियो कटर के नाम से मिल जाएगी, तो आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ऑडियो कट करने का सिस्टम मिल चुका है, तो आपको कितना ऑडियो कट करना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्ले करके सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप यहां से सुन भी सकते हैं,
ठीक है, आपको कितना ऑडियो कट करना है, सॉरी, अरे यार सिट, सॉरी मैं दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पर क्या बेवकूफ़ी है यार, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको भी अपने हिसाब से कर लेना एडजस्ट, कितना मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड आप कितना करना चाहती हैं आपको अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 32 सेकेंड कर लिया, अब आपको सही के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आप कहाँ से रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, अब आपको सही के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से MP3 सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ से 64 KB/सेकेंड, ठीक है, यह सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको कन्वर्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ऐड आएगी, क्योंकि फ्री की एप्लीकेशन है तो भाई ऐड आना स्वाभाविक सी बात है। अब आपको ऐड को कट कर देना है, जैसे आप ऐड को कट करेंगे यहाँ पर रेटिंग करने के लिए बोलेगा तो आपको बैक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना है, आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन मिल गया है, तो आपको सेट एज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आप इस चीज को, इस रिंगटोन को अलार्म पर सेट करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पे सेट करना चाहते हैं, या आप रिंगटोन पे सेट करना चाहते हैं। अगर आप रिंगटोन पर क्लिक करके सेट पर क्लिक कर देंगे तो रिंगटोन पर सेट हो जाएगा, अगर आप अलार्म पर क्लिक करके सेट पर क्लिक कर देंगे तो यह चीज अलार्म पर सेट हो जाएगा। जैसे मैंने ओके कर दिया, आप देख सकते हैं सेट सक्सेसफुली, यानी यह चीज सेट हो चुकी है। तो दोस्तों काफी कमाल का तरीका है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, काफी आसान तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।